इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा राज सिखाने वाला हूँ। ये राज उन लोगों को फायदा देगी जिनको वेट घटाना भी है और अच्छा बाहर का खाना भी खाना है, को थोड़ा सा विज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है। पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरी लेवल के बारे में। अगर आप कोई ऐसे जन है जो मोटापे से फाइट में लगे हुए हैं, तो पहले आपको ये जानना है कि आपका वेट गेन हुआ क्यों है। आपका मेंटेनेंस कैलोरी लेवल हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी का 2500 हो सकता है, किसी का 3000 हो सकता है, तो किसी का 3500 हो सकता है। वो कैलोरी लेवल आपके एज, आपके हाइट, आपके वेट और आपके जेंडर के अकॉर्डिंग रहता है। तो मान लो कि एक कोई जन है जिसका मेंटेनेंस कैलोरी लेवल 2000 का है, मतलब उसको 2000 कैलोरी इसलिए चाहिए ताकि उसके दिन भर के काम, उसके दिन भर के जॉब, यानी कि अगर वो ऑफिस चल के जा रहे हैं या टैक्सी पकड़ रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या कोई चीज़ को टेबल से उठा रहे हैं, वो ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए 2000 कैलोरी लगते हैं। अगर एक दिन वो इंसान ने 2000 कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खाए तो उनका वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, और अगर वो इंसान ने 2000 कैलोरी से कम कैलोरी का खाना खाया तो वो दिन उनका वेट घटेगा। जिनका भी वेट ज़्यादा बढ़ गया है, उन्होंने हमेशा ज़्यादा कैलोरीज अपने शरीर में डाले हैं। कैलोरीज छोटे से एनर्जी पैकेट होते हैं। मान लो आप जो भी फूड देख लो, चावल, चिकन, अंडे, पनीर, उन सब में कैलोरीज होते हैं। अगर आपको अपना वेट घटाना है तो आपको हमेशा कैलोरीज थोड़े से कम खाने हैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से जब आप कंपेयर करते हो। तो मान लो कि आपका मेंटेनेंस है 2000 कैलोरी, अगर आपने एक दिन 1800 कैलोरी खाए तो वो दिन आपका वेट घटेगा क्योंकि आप 200 कैलोरी कम खा रहे हो। पर अगर आप 2200 कैलोरी खा रहे हो तो आपके 200 कैलोरी ज़्यादा हैं, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा। आपको ये याद रखना है। तो ये आपने विज्ञान जान लिया। अभी बात करते हैं कि आप कैसे अपना खाना एंजॉय भी कर सकते हो, आप बाहर का खाना कैसे खा सकते हो और वेट घटा भी सकते हो साथ में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सच में वेट घटाना है तो आपको डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। डाइट्स बहुत बोरिंग होते हैं, उनको फॉलो करना भी बहुत बोरिंग होता है। अगर आपको सच में वेट घटाना है तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी चाहिए, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लानी चाहिए जिसकी बदौलत आपका वेट लॉस हो जाए, ये याद रखो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप साफ खाना खा रहे हो, अगर आप कम तेल वाला खाना खा रहे हो, अगर आप कम चावल खा रहे हो, अगर आप कम मैदा खा रहे हो और अगर आप कम चीनी खा रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हो अपने खुद के शरीर के लिए। पर अगर आपको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको होटल का खाना अच्छा लगता है, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मिठाई अच्छी लगती है, तो हफ्ते में ऐसे 3 बार आप वो बाहर का खाना खा सकते हो। एक संडे को खा लो, एक सैटरडे को खा लो, और अगर हो सके तो संडे और सैटरडे को ही खाओ। बट अगर आपसे ना रह पाए तो आप वेनसडे या थर्सडे को भी एक बार खा लो। ये खाने को कहते हैं हम चीट मील, यानी कि पूरे हफ्ते में आप साफ खाना खा रहे हो पर हफ्ते में ऐसे 3 बार आप गंदा खाना खा रहे हो, चीट मील। तो वो चीट मील के दिन अगर आपको बाहर का खाना खाना है पर आपको फिर भी वेट घटाना है, ये है वो 3 ट्रिक। पहली ट्रिक ये है कि आपको जानना चाहिए कि क्योंकि आप वो दिन गंदा खाना खा रहे हो, आप अपने शरीर में बहुत सारे कैलोरीज डाल रहे हो वो गंदे खाने की बदौलत। आपके कैलोरीज इन हाई है इस दिन, तो सोच लो कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, इस दिन वो खाने की वजह से आपके कैलोरीज इन है 2500, यानी कि आपने 500 कैलोरीज ज़्यादा खाए हैं वो दिन। तो ये 500 कैलोरीज अगर आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं तो वो 500 कैलोरीज आपको मोटा बना देंगे। इसलिए वो चीट मील के दिन के लिए मेरा पहला सलूशन ये है कि आप वो दिन थोड़ी सी कसरत भी करो। आपको जिम नहीं जाना चाहिए, आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, आपको वो कसरत करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। ये फुटबॉल भी हो सकता है, ये क्रिकेट मैच भी हो सकती है, मगर आप ध्यान में रखो कि आप एटलीस्ट 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए कसरत करो वो 3 दिन पर। कसरत की वजह से आपके कैलोरीज आउट भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी कैलोरीज इन को वर्क ऑफ कर पाएंगे। तो ये हुआ टिप नंबर 1। अगर आपकी कैलोरीज इन है 2500, आपके कैलोरीज आउट भी हाई होने चाहिए, 2500 होने चाहिए या 2600, ताकि वो दिन आपने जितना खाया है उतना ही आपने एफर्ट डाला है अपने कैलोरीज आउट में, अपने बॉडी के लिए, अपने वेट लॉस फाइट के लिए। अभी बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में।
आपके चीट मील के दिन याद रखो कि आप सिर्फ एक मील खाने वाले हो जो गंदा होगा, वो लंच होगा जहां बर्गर खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, पेड़े खा सकते हो, पर बाकी के दो मील यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर आपको क्लीन रखने चाहिए, आपको कम कैलोरी वाले खाने खाने चाहिए वो दिन। तो ये साफ मील में क्या आपको खाना चाहिए? पहले तो ज़्यादातर आपको सब्जियां खानी चाहिए, सब सब्जियां खा सकते हैं सिवाय आलू और रतालू और अरबी के। और दूसरी चीज़ जो सब्जियों के साथ आपको खाना चाहिए है प्रोटीन, यानी कि चिकन, अंडे, दाल या नट्स यानी कि पिस्ता, बादाम, वो सब और सब्जी। ये बहुत क्लीन मील होते हैं। तो दिन भर आप सिर्फ लंच के लिए या एक बार डिनर के लिए गंदा खाना खा रहे हो और बाकी दो मील्स में एकदम साफ खाना खा रहे हो। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो दोनों मील्स में आपके कैलोरीज इन कम होंगे। तो अगर आपके चीट मील में आप 1000 कैलोरी अंदर ले रहे हो तो बाकी दो मील्स में आप सिर्फ 400 कैलोरीज अंदर ले रहे हो आपकी सब्जी और प्रोटीन की वजह से। और वो पूरे दिन में अगर आप देखा जाए तो आप फिर भी 1800 या 1800 कैलोरीज अंदर ले रहे हो। आपका मेंटेनेंस है 2000, आप फिर भी 2000 से 200 कैलोरीज नीचे हो, यानी कि आपका वेट लॉस वो दिन भी होगा। और आखिर में मेरा तीसरा टिप यही है कि ये भी दिन आपके चीट मील के दिन, आपके चीट मील के दौरान आप बिल्कुल चीनी से दूर रहें। हाँ, मैंने कहा कि आप मिठाई खा सकते हो, आप पेड़ा खा सकते हो, पर ये हमेशा थोड़ा रहना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में, आपकी पूरी लाइफ में आपको चीनी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जितना आप अपने शरीर में डाल रहे हो उतनी तकलीफ आप अपने शरीर को दे रहे हो। तो वो दिन अगर हो सके तो चीनी बिल्कुल मत खाना, थोड़ी सी मिठाई या थोड़ा सा केक अलाउड है। ज़्यादातर हो सके तो नमकीन खाना खाना वो चीट मील के लिए, पिज्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, बटर चिकन खा लो, बटर पनीर खा लो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो अपने चीट मील के दिन भी और अपनी पूरे लाइफ के लिए भी। यही याद रखो, ये तीन ट्रिक है। पहले तो आप अपने चीट मील के दिन थोड़ी सी ज़्यादा कसरत कर लो। दूसरी चीज़ याद रखो कि आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर साफ होना चाहिए, सब्जी और ग्रिल्ड प्रोटीन। याद रखो वो साफ मील, वो ब्रेकफास्ट और डिनर में आपको सलाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सलाद में भी ज़्यादा तेल होता है। को ग्रिल्ड खाना चाहिए, कबाब्स या थोड़े से तेल के साथ, जो आप चिकन तवे पे बनाते हो या पनीर तवे पे बनाते हो थोड़े से तेल के साथ, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो आप सब्जी के साथ खा लो। और तीसरी चीज़, हो सके तो मीठे खाने से बिल्कुल दूर रहना चीट मील के दिन पे भी। और फाइनली ये याद रखना कि अपने पूरे लाइफ के लिए कोल्ड ड्रिंक से आप एकदम दूर रहो, उसमें बहुत चीनी होती है, वो जहर के एकदम बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और रणवीर अलाबादिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देख लो। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद और नमस्ते।